हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ डे 20 ऑफ 30 डेज एंड 30 सिंड्रोम्स। और आज हम एक रेयर और बहुत इंटरेस्टिंग डिल्यूशनल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसका नाम है रीडुप्लिकेटिव पैराम्नेशिया। तो इस डिसऑर्डर में लोगों को ऐसा लगता है कि कोई लोकेशन या कोई जगह है वो डुप्लिकेट हो गई है, या फिर वो एक ही इंसान दो अलग अलग जगह पर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ये भी लगता है उनको कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वो पहले कहीं और थे और अब वो अचानक से कहीं और रिलोकेट हो गए हैं, कहीं शिफ्ट हो गए हैं एकदम। तो इस कंडीशन में अफेक्टेड लोगों को अपने डिल्यूजन्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीफ होता है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। उनको ये यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होता है कि वो जो सोच रहे हैं वो गलत है। ये सिंड्रोम मोस्टली ब्रेन इंजरीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डिमेंशिया के केसेस में ज़्यादा देखा जाता है। ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरी और रिकॉग्निशन को कंट्रोल करता है, उसमें डिसरप्शन की वजह से ही डिसऑर्डर होता है। तो ये थोड़ी सी इंसाइट्स इनटू रीडुप्लिकेटिव पैराम्नेशिया। आई होप यू लाइक इट। आई विल सी यू टुमारो। बाय।